मेरी प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल और जेई मेन सब कुछ जनवरी के महीने में हो रहा है, और मेरे प्री बोर्ड्स तो क्लैश भी कर रहे हैं जेई मेन से। बहुत ज्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो चुकी है। अब आ गया एग्जाम, अब आ गया कि जनवरी में है, इनके निकालने 40 दिन पहले, ऐसा क्यों निकाला वो खुद जाने। इसको ईगो के साथ बात आ गया है कि हम करवा के दिखाएंगे। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जिसके द्वारा देश के भविष्य के इंजीनियर तैयार होते हैं, वो एग्जाम जिसको पास करना बच्चों का ही नहीं उनके परिवार का भी सपना होता है कि उनका बच्चा इस एग्जाम को पास करे। आज वो एग्जाम उन बच्चों के लिए डरावना सपना बन गया है, जिसको लेकर ट्विटर पर कई हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। #JEE23 डिमांड जस्टिस, #प्रधान जी ब्लेस JEE23, जिसको लेकर स्टूडेंट द्वारा कई वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किए गए हैं, जिसमें वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि जेई 2023 के सेशन फर्स्ट के ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जाएंगे। साल 2023 में भी जेई मेन एग्जाम का आयोजन दो सत्रों में होगा। पहला सत्र जनवरी 2023 में होगा, जिसकी परीक्षा का आयोजन 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को किया जाएगा। दूसरे सत्र की परीक्षा अप्रैल में शुरू होंगी। यह परीक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। पहले पेपर के माध्यम से NIT, IIT और अन्य संस्थानों में BE और BTech के लिए एडमिशन होंगे। वहीं दूसरे पेपर के माध्यम से BArch और BPlanning जैसे कोर्सों में एडमिशन होंगे। इतना कम समय BTech की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समस्या बन गया है। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी कि जेई मेन एग्जाम 2023 पर रोक लगा दी जाए, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को 10 जनवरी को खारिज कर दिया और कहा कि एक जनहित याचिका के जवाब में अखिल भारतीय परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे IIT की लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे। यह जनहित याचिका बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभव सहाय द्वारा दायर की गई थी, जो चाहती थी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस को मार्च तक के लिए टाल दिया जाए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि शेड्यूल की घोषणा बहुत कम समय में की गई थी। सहाय ने कहा कि इससे पहले परीक्षा की तारीख 3 से 4 महीने पहले घोषित की जाती थी, जिससे छात्रों को तैयारी का समय मिल जाता था। जेई मेन एग्जाम में मिला कम समय तो छात्रों के लिए परेशानी है ही, लेकिन NTA की नोटिफिकेशन ने उन छात्रों की भी परेशानी बढ़ाई है जिन्होंने 12 2021 और 22 में पास की थी, क्योंकि NTA की नोटिफिकेशन में 75% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है, जो इससे पहले जेई मेन एग्जाम में नहीं था। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेई मेन और जेई एडवांस परीक्षा के लिए 75% मानदंड के मुद्दे पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है, लेकिन 24 तारीख से शुरू होने वाले एग्जाम जो इन छात्रों का भविष्य तय करेंगे, आज वो एग्जाम उनके लिए परेशानी बन गए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदला है। वहीं इस खबर के आने के बाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कोर्स खत्म करने के लिए बच्चों की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, जिससे बच्चों पर काफी मानसिक दबाव बढ़ गया है। साथ ही बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखें जेई मेन एग्जाम के साथ टकरा रही है, इससे भी बच्चों को परेशानी हो रही है। लेकिन हम है गाँव से, हम आए थे कोटा पढ़ने के लिए, और इसके चक्कर में हम 1.5 लाख कर्जा भी ले लिए कोचिंग का फी जमा करने के लिए, और यहाँ पर आए कोचिंग में आए लेट से एडमिशन हुआ क्योंकि सिलेबस लेट से खत्म हुआ था, एग्जाम भी सितंबर तक चल गया था। तो मेरे कोचिंग में ऐसा था कि बैच होने वाला था फरवरी में ख़त्म, और सब कोचिंग वाले बोल रहे थे कि अप्रैल में होगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत चीज़ है बीच में, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब आ गया एग्ज़ाम, अब आ गया कि जनवरी में है, NTA निकाल दिया 40 दिन पहले, ऐसा क्यों निकाला वो खुद जाने। इसको ईगो के साथ बात आ गया है कि हम करवा के दिखाएंगे, लेकिन इसमें हम जैसे आदमी जो गरीब आदमी हैं तो वो क्या करें, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। और टेंशन की बात इसलिए है कि एक तो जेई नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला, और सिलेबस पहले ख़त्म हो तब तो रिवीजन कर। अब 12th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल और जेई मेन सब कुछ जनवरी के महीने में हो रहा है, और मेरे प्री बोर्ड्स तो क्लैश भी कर रहे हैं जेई मेन से। बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो चुकी है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के लिए क्या पढ़ाई करें, क्या करें या ना करें। बहुत कम टाइम में इन्फॉर्म किया गया था, सिर्फ 35 डेज में इन्फॉर्म किया गया था कि हमारे जेई मेन्स होने वाले हैं। सर तो बहुत प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इसे अप्रैल में पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज़। इससे मेरा नहीं अकेले बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स का भला होगा, और सबको एक फेयर चांस मिलेगा कॉम्पिटिट करने का। सर प्लीज़ सर, मैं जानता हूँ कि अप्रैल में भी अटैम्प्ट है, पर सर दोनों अटैम्प्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज़ सर हमारी मदद करें प्लीज़। धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज़।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।